दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अप स्टॉक्स ऐप में लॉक लगा सकते हैं। अगर आप लोग भी अप स्टॉक ऐप में लॉक लगाना चाहते हैं यानी कि अपने फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा कि किस तरह से अप स्टॉक ऐप में लॉक लगा सकते हैं, वो भी फिंगरप्रिंट लॉक। तो आप भी लगाना चाहते हैं अप स्टॉक ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा। तो दोस्तों लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको अप स्टॉक ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से देखने को इंटरफेस मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यानी मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से देखने को इंटरफेस मिल जाएगी। तो आपको लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली सा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप सेटिंग का। तो सिंपली से क्या करना है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एनेबल विनोमेटिक, तो आपको क्या करना है इसे ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि सेट अप फिंगरप्रिंट, यानी आपको सेट करने के लिए आपको एक नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि सेट अप का, दूसरा स्किप फॉर नाउन का। तो आपको क्या करना है सेट करने के लिए सेट अप के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में पीछे फिंगरप्रिंट लॉक है तो पीछे टच करना है। अगर आपके मोबाइल में आपके डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक है तो आपको क्या करना है डिस्प्ले के ऊपर टच कर देना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कि मेरे अप स्टॉक ऐप में लॉक लग चुका है यानी कि फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने अप स्टॉक ऐप में अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। अगर आप लोग सीख लिए हैं तो वीडियो का लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।